एक दूजे के वास्ते। तो कहां तक पहुंच गए तुम आयान? ठीक है, हम सब घर पे वेट ही कर रहे हैं तुम्हारा। भाभी, आप कितने सुंदर लग रहे हो, है ना भैया? हाँ। और अच्छा सुन अवनी, तू नीचे जा रही है तो मम्मा को बता देना कि आयान और उसकी फैमिली एक घंटे में आ रहे हैं, ठीक है? मैं तब तक बैंकिंग का काम कर रहा हूँ। भाभी, आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या? मतलब अगर हुई है तो जैसे आप दोनों ने मेरी हेल्प की, मैं भी आप दोनों की हेल्प करना चाहती हूँ सब कुछ सही करने में। अच्छा, तो अब स्टूडेंट टीचर को पढ़ाएगा? इसे पढ़ा सकती हूँ, अभी कोई जरूरत नहीं है उसकी। इसलिए टीचर जी, अभी जो आपके नीचे ससुराल वाले आने वाले हैं, आप बस उन पर फोकस करिए। श्रवण, आई नो मेहमानों के सामने थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करना। तुम तो मुझे मत ही दिखाओगे नॉर्मल बिहेव कैसे किया जाता है। मैं खुद बिहेव करना जानता हूँ कैसे करना। उसका डेमो देखा मैंने आप। अरे गरम गरम समोसों की तो बात ही कुछ और है, ये लीजिए। और गरम गरम चाय के साथ समोसे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिल तो इसे देखते ही खुश हो गया। ये खाना पीना तो चलते ही रहेगा। अंकल, आप मीठा ट्राई करिए ना। बेटा, आप दोनों की तो तारीफ करते नहीं थकता है आयान। आयान खुद बहुत अच्छा है अंकल, इसलिए उसे सब में अच्छा ही दिखती है। वैसे आप दोनों की भी तो लव मैरिज हुई थी, है ना? हाँ। खुद इस रास्ते से गुजरे, तभी तो हमें समझा, हमारे प्यार को समझा और हमें इतना सपोर्ट किया। इन दोनों की अब ट्यूनिंग बोल लीजिए या केमिस्ट्री, वो तो सबसे अलग है और हम सब तो काफी पहले से देख रहे हैं। अच्छा हुआ आज आप लोग यहाँ आए और हम सब की मुलाकात हो गई। सच कहूँ तो ऐसा लग नहीं रहा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। और क्या कर रही हो हमारी कांचा चीना? तुमने मेरे नाम का मजाक उड़ाने के लिए कॉल किया या ये सब पूछने के लिए? अरे प्यार के मामले में तो तुम हमसे भी ज्यादा बुद्धू निकली। अरे ऐसे प्यारे प्यारे नाम, प्यारे प्यारे लोग को लोग प्यार में देते हैं। और अगर हमारा मन करेगा तो हम पूछेंगे ना कि क्या कर रही हो हमारी कांचा रे, कांचा रे, बोल मेरी कांचा रे। और मजाल किसी की जो बंटी मियां को रोक के दिखा दे। बोलो ना क्या कर रही हो? मैं पिलो कवर सिल रही हूँ। अच्छा, तो तुमको सिलना भी आता है? पंडी, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि नहीं आएगा? अरे हमारा मतलब कि तुमको देख के ना लगता नहीं है कि मुझे सिलाई आती होगी। अरे नहीं नहीं, हमारा मतलब देखो कंचा, अगर तुमको बुरा लगा हो ना तो हम ओह गॉड पंडी, अब ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा लगने लगा ना तो बस काम खत्म। हाँ जी, सही पकड़ी हो। वैसे तुमको और क्या क्या आता है? और मुझे तो ना बंटी में आपको सब कुछ अभी जानना है। थोड़ा सब्र रखो, टाइम स्पेंड करो मेरे साथ, पता चल जाएगा धीरे धीरे। हाय जी बात। वैसे कंचा एक बात बताए तुमको, हमने ना जब पहले से ही प्लान करके रखा था कि हम तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। आंटी, प्लान तो बना लिया हम लोगों ने, पर घर पे बताएंगे कब? अरे सुमन और श्रवण मियां है ना हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ, एक काम करते हैं,
तुम ना श्रवण से बात करो और मैं सुमन से बात करती हूँ, फिर देखते हैं। बस फिर क्या, डन। और फिर घर वालों को एक बढ़िया सी खुशखबरी सुना देंगे, है ना? ओके डन। अच्छा चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ओके बाय। अरे अरे एक मिनट, आई लव यू हमारी कांचा चीना। लव यू टू। ठीक है तो फिर इस हफ्ते पंडित जी को बुलाकर तारीख तय कर लेते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल, और आप हमें खबर कर दीजिएगा। आपको सबसे पहले बताएंगे। कितनी खुशी की बात है कि अवनी का रिश्ता तय हो गया। सुमन कुछ मीठा मांग। जी। उन समोसों के बाद तो अब मीठे के लिए पेट में जगह ही नहीं बची है, पर चखना भी तो है तो ले लेते हैं थोड़ा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर। इजाजत। अच्छा। जी जी। अरे अरे बैठिए बैठिए। अरे अरे। अब आप और हम परिवार बनने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई फॉर्मेलिटी नहीं। खुश रहो बेटा, बस अब तैयारी कर लो। नमस्ते नमस्ते। अरे जयिंदर, वो पंडित जी का नंबर है ना तेरे पास, ला दे। हाँ वो अंदर रखा हुआ है। आज तो तेरे चेहरे पे खुशी का रंग अलग ही है, किसी की नजर ना लगे। सब कुछ आपके कारण हुआ है भाभी, आपने हमेशा मेरी बहुत हेल्प की है। यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट। आई एग्री, तुम तो सबसे बेस्ट है। शी इज परफेक्ट एंड ऑलवेज राइट। तुम दोनों को देखते ही तो समझ गई थी कि तुम और अयान एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, और राइट भी है ना। मैं थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो गया था, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैं अपना माइंड हमेशा ओपन रखता हूँ, और एक्सेप्ट करता हूँ कि पहले शायद कुछ चीजें मुझे समझ ना आई हो, लेकिन क्या है ना, सब लोग एक जैसे नहीं होते, है ना? अवनी? हाँ? देख बंटी, अब ना सीरियसली बात करने का टाइम आ गया। तू और कंचन एक दूसरे को लेकर सीरियस होना। शादी करने वाले हो? देखो मियाँ, मश्करी के टाइम पे ना हम बहुत मश्करी कर लिए, पर अब जिंदगी किसी के साथ देख रही है मियाँ, और अब शादी करनी है हमें, इसीलिए तो हम तुम्हारे यहाँ मदद मांगने आए ना। और मैं हमेशा तेरे साथ मेरे भाई, टेंशन मत ले। वैसे मियाँ, जब शादी ब्याह की बात तो घर के बड़े करते हैं ना, पर हमारे मम्मी पापा का तो तुमको पता ही है, वो तो। हाँ यार बंटी, तेरी फैमिली का सब कुछ पता है मुझे, लेकिन तूने बताएगा ना या नहीं? कैसे मियाँ, हमारे पापा को तो तुम जानते हो ना, वो तो नई मम्मी ला दिए हमारी मम्मी को छोड़कर, और गांव जाकर अपनी नई जिंदगी ऐसे शुरू किए जैसे कि पुरानी जिंदगी भूल ही गए हो, और हम तो उनकी पुरानी जिंदगी में थे ना। और हमारी मम्मी तो हमारी नानी के घर पे रह रही है हमेशा हमेशा के लिए। खुश है वो वहां, सब बढ़िया है, पर मियाँ अब कोई है नहीं ना हमारा, किसी को फर्क नहीं पड़ता मियाँ कि हम जिंदा रहिए या मर जाए। मैं दिख रहा हूं ना तुझे,
मुझे फर्क पड़ता है। तो खबरदार अब कभी ये बात की तू। तभी तो मियाँ हम तुम्हारे जी हाथ और पैर दबा के तो मुझे रिक्वेस्ट कर रही है मियाँ, प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दियो। ओए तू ये मस्का नहीं भी लगाता ना तो भी मैं तेरा काम करता, समझा? तो मियाँ तुम सुमन के साथ मिलके जीरा बात करके देख लोगे? देख बंटी, मैं तो तेरे लिए बात करूं पर सुमन का कुछ कंफर्म नहीं कह सकता है। क्यों? बंटी जब से वो एडीसी बनी है ना कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई, उसे काम ही इतना रहता है। पर तू चिंता मत कर, मैं कंचन की फैमिली से तेरे लिए बात करूंगा, ठीक है? कंचा, कम से कम मेरे साथ तो तू शेयर कर सकती है ना कि तूने ऐसा क्या देखा बंटी में कि तुझे लगा कि वो ही मेरे लिए है। सुमन, हम इंसान ना बहुत अजीब होते हैं, या तो अक्सर लोगों में इतनी गलतियां दिखती है कि खूबियां दिखती ही नहीं है, या तो फिर इतनी खूबियां दिखती हैं कि उसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। खंचा, यूपीएससी के क्वेश्चन की तरह इसे एनालाइज मत कर प्लीज। कोई एक रीजन भी बता देगी ना, कोई एक खूबी तो चलेगा मुझे। अच्छा, तुझे याद है पहले मुझे कैसे डैशिंग, गुड लुकिंग, स्मार्ट लड़के पसंद आते थे? हाँ। बंटी वैसा बिल्कुल भी नहीं है, पर उसकी यही सिंप्लिसिटी ना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सुमन, उसके साथ कितना भी घूम लूं, कहीं पे भी जाऊं, ये ख्याल दिमाग में कभी आता ही नहीं है कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरा काजल फैला या नहीं फैला, मैं कैसी लग रही हूँ। उसके साथ होती हूँ तो बस यही सोचती हूँ कि आज हंसते हंसते पेट दर्द हो गया या कितना मजा आया आज उसके साथ। उसके साथ होती हूँ तो सोचती हूँ कि जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ। सुमन, तुझे याद है एक बार तूने मुझसे कहा था कि बंटी जैसा दोस्त बहुत किस्मत से मिलता है? आज मैं तुझसे कह रही हूँ कि बंटी जैसा लाइफ पार्टनर भी बहुत किस्मत से मिलता है। अब अगर तूने मुझे घूर लिया हो तो शाम को तू और श्रवण आके मम्मी पापा से बात करोगे हमारे बारे में? सुमन, आज मैं बंटी से मिला था, उसने मुझसे कहा कि क्या हम दोनों जाके कंचन और उसकी शादी की बात कर सकते हैं चाचा चाची से। अब मैं उसकी फैमिली हूं तो मैंने हाँ कह दिया। तुम्हारी तरफ से मैंने पहले कह दिया कि तुम बिजी रहोगी तो आ नहीं पाओगी। श्रवण, श्रवण, तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा फैसला ले लिया। सुमन, इसमें पूछना क्या था? कल यही भी तो तुमने सब कुछ साफ साफ क्लियर कर ही दिया था। श्रवण, कल और आज में चीजें बदल भी तो जाती है ना। मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ चाचा चाची से बात करने चलूंगी। श्रवण, आज जब अयान के मम्मी पापा ने सबके सामने हमारी ट्यूनिंग और हमारी केमिस्ट्री के बारे में बात की तो मैंने वाकई में उस बारे में सोचा कि हम दोनों में सच में कुछ तो स्पेशल होगा ना, वरना वो सब वो लोग क्यों कहते जो उन्होंने कहा। श्रवण, वो लोग हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग कपल देखते हैं और हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और ये सोच के तुम बंटी और कंचन के लिए कन्विंस हो गए? नहीं, वजह कुछ और है ना? हाँ श्रवण, मैं कंचा से मिली थी और उससे बात करके ऐसा लगा कि
ये वो कंचा ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ। बंटी के प्यार ने तो उसे पूरी तरीके से बदल दिया है। जब वो बंटी के बारे में बात कर रही थी ना श्रवण, तो उसकी आंखों में प्यारी सी चमक थी। वो कंचा वो बच्ची नहीं रही जो इन्फैटुएटेड हो। श्रवण, मेरी कंचा बहुत बड़ी हो गई है, बहुत मैच्योर। श्रवण, कुछ दिन पहले तुम अवनी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे और मैं कंचा को लेकर उसके टॉपिक्स में मैंने ओवर रिएक्ट कर। आई नो एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। पर सुमन, मैं भी कहां पीछे रहा, कल कुछ ज्यादा ही बोल गया था, माफ तो करोगे ना? मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को हमेशा माफ करेंगे श्रवण। बट आई थिंक कि हमें एक दूसरे को आई लव यू बोलते रहना चाहिए। यानी कि अगर प्यार सारी जगह ले लेगा तो गलत फहमियां होंगी ही नहीं। ग्रेट आइडिया। सो I love you, Shavan. I love you too. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.